If a vector, b vector, and c vector are non-coplanar, then show that a vector plus b vector plus c vector, and c vector plus a vector are also non-coplanar. अगर let's say a vector, b vector, c vector हमें non-coplanar given है, तो it means हमें एक information given है कि triple product of a vector, b vector and c vector ये क्या जाएगा? Not equal to zero क्योंकि ये तीनों vector क्या है? Non-coplanar है, ठीक है? अब अगर ये तीनों वेक्टर भी नॉन कोप्लेनर है तो इनके भी ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए. तो तीन वेक्टर क्या है हमारे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. इन तीनों से वाले ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? इक्वल टू जीरो. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर. अब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो लेट से वैल्यू क्या आती है, यहां से वैल्यू आ जाएगी a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर. पहले b का कर रहा हूं मैं, c के साथ में, तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर. फिर क्या आएगा? बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में करूंगा तो आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. फिर सी वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर करूंगा तो आ जाएगा जीरो प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. नाउ अब क्या करूंगा, मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं. एक बार स्टार्टिंग करूंगा ए से तीनों की, देन करूंगा बी का तीनों से. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर. फिर b वेक्टर का करूंगा, सॉरी अब क्या करूंगा? b वेक्टर का किससे? b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर से. तो मुझे पता है जब भी कोई दो वेक्टर क्या होते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम होते हैं तो उनका वैल्यू क्या जाती है? जीरो. तो b वेक्टर का जब मैं इससे करूंगा तो क्या जाएगी वैल्यू? जीरो. फिर a वेक्टर का करूंगा किससे मैं? b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर से. तो यहां भी a वेक्टर है और यहां भी a वेक्टर है तो क्या जाएगी वैल्यू? जीरो. अब मैं b वेक्टर का जब यहां करूंगा तो भी वैल्यू क्या जाएगी? b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर. तो अगेन क्या हो जाएगा? यहाँ भी b वेक्टर है तो ये भी क्या जाएगी वैल्यू? जीरो प्लस जीरो. अब a वेक्टर का इससे करूंगा तो क्या जाएगा? a वेक्टर डॉट c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर. यहाँ भी a वेक्टर है, यहाँ भी a वेक्टर है, तो वैल्यू क्या जाएगी? जीरो. और b वेक्टर का करूंगा तो क्या आएगा? अब की बार कोई वेक्टर सेम नहीं आएगा. b वेक्टर डॉट c वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो इसे लिख सकता हूँ b वेक्टर c वेक्टर a वेक्टर. अब हमें पता है अगर सेम ऑर्डर में हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, लेट्स से अगर हमें गिवन है कि ए बी सी फर्स्ट, यहाँ पे एक और बार में ए बी सी, तो इस पेयर में अगर हम कोई से भी तीन ले लें, जैसे मैं ए बी सी ले लूँ या फिर बी सी ए ले लूँ या फिर सी ए बी ले लूँ, कोई से भी ले लूँ, इसमें इसका क्या होता है? ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होती है. तो मीन्स बी सी ए इज इक्वल टू ए बी सी है यहाँ पे, तो आएगा ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर प्लस यहाँ से भी क्या जाएगा? ए वैक्टर बी वैक्टर c वेक्टर. तो इसी क्या लिखता हूँ मैं? टू टाइम्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड c वेक्टर प्लस a वेक्टर. तो अब अगर ये वैल्यू क्या है हमें मिली है, बट हमें पता है कि a ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है. तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो मीन्स ये क्या जाएगा? टोटल वैल्यू क्या जाएगी? नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी. तो इट मीन्स ये क्या है? वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है. और अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो मीन्स यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ से बोल सकते हैं अब हम कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर. So this is the answer for this question.